राम राम दोस्तों। फ्रेश होकर निकल लेते हैं हम ग्राउंड के लिए। एक बंदे से पूछता हूँ कि ग्राउंड कहाँ है, तो बता नज़दीक मेरे ग्राउंड है। तो हम निकल जाते हैं पार्क में, तो वहाँ पे हम करते हैं अपना वर्कआउट। काफ़ी मुंबई में काफ़ी कचरा कचरा है, लेकिन ठीक है, फिर ग्राउंड पहुँच जाते हैं वर्कआउट कंप्लीट करके। फिर हम चले जाते हैं वापस अपने डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री जाने के बाद नहा धो के फ्रेश होकर हम निकल लेते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, लिए वहाँ हमें ले जाते हैं बीजियंस। चलते चलते फिर हम पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट, फिर वहाँ हम खाना खाते हैं और फिर हम वापस अपने डॉर्मेट्री आ जाते हैं। फिर शाम होते ही हम निकल जाते हैं सिद्धिविनायक के लिए। पहले हम डिसाइड करते हैं कि बस से जाएंगे, लेकिन बस बहुत समय ले रही थी, तो फिर हम मज़े लेते हैं हम मौसम्बी के जूस, जो कि थे 20 रुपीज़ पर ग्लास। काफ़ी मज़ा आया उसको पीने के बाद। हम तो वहाँ पर एक आंटी थी, आंटी से पूछो तो आंटी कहती है वहाँ से मेट्रो ले लो। फिर हम जाते हैं साकिना का मेट्रो स्टेशन, वहाँ से टिकट काउंटर जाके टिकट लेते हैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन के लिए। जैसे कि हर जगह भीड़ रहती है, वैसे मेट्रो स्टेशन में भी बहुत भीड़ थी। जैसे जैसे हम पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन, ये देखो मेट्रो स्टेशन में कैसे भीड़ है, खूब रश है। मेट्रो हमारी आती है थोड़ी देर में और हम मेट्रो पकड़ लेते हैं। मेट्रो स्टेशन से उतर जाते हैं, चले जाते हैं घाटकोपर लोकल। फिर हम लोकल पकड़ के घाटकोपर टू दादर स्टेशन जाते हैं, क्योंकि दादर से वो बहुत नज़दीक है। तो हम डिसाइड करते हैं कि बाय वॉक हम चले जाएंगे मंदिर के दर्शन करने, जो कि था 1.5 किलोमीटर दादर स्टेशन से। ये है मंदिर का कुछ बाहर का एरिया, चलते हैं अंदर दिखाने। ये है अंदर का एरिया, जैसे कि सब कुछ खरीद सकते हो आप, प्रसाद, फूल, हार। उसके बाद लग जाना होता है लाइन में। नाना प्रकार की मिठाइयाँ, मोदक, लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बहुत से लड्डू मिल रहे थे वहाँ। काफ़ी रीजनेबल प्राइस था, 400 kg। फिर हम प्रसाद लेके चले जाते हैं अंदर। दिन में हो रही थी बहुत गर्मी, तो शाम में बहुत गर्म हो गया। तो मैं कहता हूँ कि काश बारिश हो जाए, तो भगवान सुन लेते हैं और बारिश हो जाती है, जम्मा जम बारिश होती रहती है। पूजा करते करते बारिश हो जाती है। फिर मेन लाइन में लग जाते हैं, जहाँ से हमारा दर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बंद होने वाला है गुड्डू, गुड्डू 9 बजे बंद हो जाएगा। नहा धोके पवित्र होके चलो। चलो चलो आंटी, आज परीक्षा की घड़ी है, चलो 9 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी भागो। लगाओ लगाओ, दौड़ लगा रहो। सफलता की दौड़ में भगवान तो मिल ही जाएंगे। दोनों लाइन खाली जाओ, पहले दोनों लाइन खाली।
हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे, इस बार भी हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो गए, लाइन में ज़्यादा लगना ही पड़ा। ये रहा कुछ बाहर का प्रांगण मंदिर का। फिर हम निकल चलते हैं अपने जूते मोजे पहन कर कुछ ख़रीदने के लिए, जैसे कि प्रसाद। तो हम निकल जाते हैं बाहर आकर स्टॉल से कुछ ख़रीदने के लिए। तो हमें वहाँ दिखते हैं काफ़ी स्वादिष्ट मोदक लाड़ू, तो हम वो सब देखते हैं ख़रीदते हैं। पूजा ख़त्म करने के बाद हम फिर सोचते हैं कि चलते हैं अब दादर चौपाटी। तो हम निकल पड़ते हैं दादर चौपाटी के लिए, जो कि सिद्धिविनायक से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। तो हम निकल चलते हैं दादर चौपाटी। ये है दादर चौपाटी का स्टार्टिंग पॉइंट। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में। आज तो यहाँ बारिश हो रही थी, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं रुके और हमें लेट भी हो रहा था, तो हम वहाँ थोड़ा सा समय स्पेंड करके निकल पड़ते हैं। ये आ गए हम अपना दादर चौपाटी, मेन दादर चौपाटी का एंट्रेंस। यहाँ पर एक स्तंभ भी बना हुआ है। बारिश के चलते यहाँ थोड़ा अच्छा खासा पानी बह गया था, लास्ट ईयर इतना पानी नहीं था। कि हम थोड़ा वॉक करते हैं किनारे पर और फिर इंजॉय करते हैं सेव पूरी, जो कि था 40 रुपीज़ प्लेट, 6 पीसेस थे। वो खाने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं डॉर्मेट्री के लिए। वेदर काफ़ी ठंडा था क्योंकि बारिश हुई थी, इसीलिए दादर चौपाटी से आते वक्त हमको दिखती है एक आइसक्रीम शॉप। तो हम वहाँ पे जाते हैं और आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, जो कि था कीवी फ्लेवर और मोदक फ्लेवर। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना एक्सपेंसिव चले जाएगा। टोटल वो आइसक्रीम कोन हुई थी हमारी 300 समथिंग की। वो हमारा मेरी तो अब तक की सबसे एक्सपेंसिव आइसक्रीम मैंने खाई थी, फोपट हो गया था। लेकिन हाँ, टेस्टी थी, मतलब मैंने मिड वेरियंट वाली खाया था, तो टेस्टी थी, तो पैसा वर्थ ही था। लेकिन हाँ, क्वाइट एक्सपेंसिव था। चलो कोई ना, फिर खा कर भी इंजॉय कर कर हम निकल चलते हैं अब लोकल पकड़ने के लिए दादर स्टेशन। फिर हम लोकल छोड़कर घाटकोपर से मेट्रो पकड़ के साकी नाका आ जाते हैं। फिर मेट्रो स्टेशन छोड़कर हम निकल जाते हैं अपने डॉर्मेट्री के लिए। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।